અને જે લાંબી બિયર્ડ રાખે છે અને સેકન્ડ એક એવા અને એટલા નાના વ્યક્તિ જોયા છે એટલે એ જ વાઇઝની વાત કરી રહ્યો છું. બાકી કામ તો યાર બહુ જ મોટું છે, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે અને એ છે એક્ઝામ શાળાના. નામ છે એમનું મારી જ રાશિના. વોટ ઇઝ યોર નેમ સર? હરેન્દ્રસિંહ તોમર. હરેન્દ્રસિંહ તોમર, દિલ સે સ્વાગત હૈ, બહુત હી તાલિયો કે સાથ. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. અચ્છા સર, ટેલ અસ સમથિંગ અબાઉટ એક્ઝામ શાળા જો હમે પતા નહીં હૈ. सर देखिए, बेसिकली मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इस समय, लेकिन बच्चों को तलाश है उनके सपने पूरे करने के लिए एक ऐसी जगह मिले उन्हें जहां पर वो अपने सपने को साकार कर सके. तो हम लोगों ने सपने साकार करने के लिए सपनों की शाला एग्जामशाला बनाया. सर क्या बात है सर, 25 साल में ऐसी एग्जामशाला के आप MD रहेंगे, मतलब ये सपने में भी सोचा था आपने? सर कोई भी नहीं सोच सकता ऐसा, तो लेकिन वो कहते हैं कि जब मेहनत करो तो फिर कामयाबी मिलती है. सर क्या बात है. वैसे हम आज इनकी एग्जाम नहीं लेने वाले, वाई एग्जाम शाला अगर आपको चूज करना हो तो. साथ ही साथ एक तीखा सवाल है उसका जवाब भी देंगे सर. 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहे इसी तरह बिग मेहमान. हूँ छू बिग एफएम में हिरेन तुम्हारी साथ, धुन बदल के तो देखो हमारी जान. 92.7 बिग एफएम पर बिग मेहमान. सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों बहनों, अरे मदन भाई छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ सोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तू भी सुनो पापे. अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है, क्या बात है, मतलब इतनी भारी सी आवाज है और साथ ही साथ भारी सी सरनेम भी है. हरेंद्र सिंह तोमर जो है बेसिकली झांसी से और 92.7 बिग एफएम पर आज बन गए हमारे बिग मेहमान एंड ही इज एग्जाम शाला के MD. सर सेकंड सवाल फॉर यू कि व्हाई वी चूज एग्जाम शाला. देखिए सर, बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि समय मिले ना तो सब कुछ पॉसिबल है. अब हम लोग एक टाइम पीरियड बना दें कि इतने महीने में सब कुछ करना है तो कहीं ना कहीं बच्चे पे बर्डन बढ़ जाता है. तो हमारा टारगेट ऐसा है कि बच्चे को ऐसी फैसिलिटी दें कि वो लाइफ टाइम तक हमारे साथ जुड़ा रहे, यानी सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी. किसी बच्चे का क्लरिकल में सिलेक्ट हो गया तो वो ऑफिसर की तैयारी हमारे यहाँ से करे और फीस एक ही बार लेंगे हम, लाइफ टाइम वैलिडिटी देंगे. Oh, that's great. लेकिन किस किस प्रकार के एग्जाम की आप वहाँ पे तैयारी करवाते हैं? सर बेसिकली बैंक है हमारा, SSC है, GPSC क्लास 1-2 और क्लास 3 दोनों की तैयारी कराते हैं. और रेलवेज और इंश्योरेंस की भी तैयारी कराते हैं हमारे यहाँ. क्या बात है. अच्छा एक सिंपल सवाल ये भी है, क्या गुज्जू लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते हैं क्या? खाने में तो माहिर है. जी लेकिन सर मैं देख रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से काफी कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं 100+ सेमिनार लिया हूँ डिफरेंट कॉलेजेस में. अच्छा, तो बच्चों में अब वो क्रेज आ गया है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, क्योंकि सैलरी भी अच्छी होती है, लाइफ भी सिक्योर. वो कहते हैं ना, 2 बार पंच 1 बार लंच, लाइफ है टंच. अरे वाह, ये लोग चाह रहे हैं आज के समय में. वेरी नाइस. चलिए थोड़ी देर में दिखाते हैं रेडियो पे एग्जाम शाला अगर आपको देखनी है तो वो कैसी है, कौन सी जगह पे है. अरे हाँ, रेडियो पर तुमने जुआ मर्शे कई रीते. स्टे ट्यून टू 92.7 बिग एफएम. थोड़ी कजवार में खबर पड़े जारे हरेंद्र सिंह तोमर जे झांसी ना छे, झांसी की राणी जी जगह दिया था अने पान सिंह तोमर पण जाना हता. एटले टूंक में दौड़वानुं काम एक करी रह्या छे 92.7 बिग एफएम पर, मारी साथे पण दौड़ी रह्या छे. स्टे ट्यून, धुन बदल के तो देखो. 92.7 बिग एफएम पर बिग मेहमान. गुड आफ्टरनून मरी जान, दिस इज बिग मेहमान. मैं हूँ बिग एफएम का हिरण आपके साथ और एग्जाम शाला के जो MD है, नाम है उनका हरेंद्र सिंह तोमर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज बिग मेहमान में. उन्होंने बताया चामुंडा टी स्टॉल के जो बाजू में है, मतलब वही लैंडमार्क है, वहां पे है एग्जाम शाला. वहां पे खास गवर्नमेंट जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन की जाती है और 22 टीचर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. अच्छा सेकंड ब्रांच की अगर हम बात करें तो सर कहाँ पे? सेकंड ब्रांच अपना कह सकते हैं कि सिविल 4 रस्ते के पास में है. ओके. और बेसिकली अगर सिविल 4 रस्ता हमें दिखना है तो फिर वहीं से उदना दरवाजा से 5 रुपए लगेंगे और सिविल 4 रस्ते पहुंचेंगे जो सेंटर प्वाइंट पे सेकंड फ्लोर पर है सेकंड ब्रांच. बेसिकली वो ब्रांच बनाने का मोटो ये था सर जी, कि काफी बच्चे हमारे पास जुड़ रहे थे और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है सर. ओके. तो अब बच्चों की जनसंख्या तो बढ़ रही थी और जगह कम पड़ रही थी. अभी जैसे हम लोग 96
बच्चे हैं जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओह क्या बात है। तो फिर इसीलिए हमें सेकंड ब्रांच ओपन करना पड़ा। हाँ अब सूरत से बाहर हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट कन्वर्सेशन में बताया कि बड़ौदा अहमदाबाद और राजकोट भी पहुंचेंगे कुछ टाइम में। तो हम बस यही आशा रखते हैं कि वहां पे आप सेकंड ब्रांच ऐसे ही खोले जैसे आप अपने यहाँ पे खोली। थैंक यू वेरी मच। और अच्छी बात है यार, इसी तरह धुन बदलेगी जब एजुकेशन में इस तरह के लोग आगे आएंगे। और सुपर 30 हमारा विच मस्ट वॉच, दिस इज बिग मेहमान हूँ जो बिग एफएम हिरेन तुम्हारी साथ। आफ्टर दिस लिटिल ब्रेक एक सिंपल सवाल छे जे मारा दिमाग नी अंदर अत्यारे उद्भव्यो छे कि गवर्नमेंट एग्जाम ज केम घणी वक्त एनी पर आपणी मोहर लगाई देता होय छे। तो जवाब देंगे हरेंद्र सिंह तोमर जी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एग्जामशाला। स्टे ट्यून, आप सुन रहे हैं बिग मेहमान। धुन बदल के तो देखो मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर बिग मेहमान। किरण आपके साथ और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे सिर्फ एमडी नहीं, मल्टीटास्कर हैं। अभी अभी हमारे खुफिया सूत्रों से ये पता चला है। सो बताएंगे उनका टास्क क्या है, मतलब मल्टीटास्क वो क्या करते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है सर, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ठान के बैठे हैं कि नहीं हमको करनी है तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। थोड़े पीछे चले जाए सर, हम हमारे पिताजी की बात करें, दादाजी की बात करें, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा था नहीं, गवर्नमेंट की जॉब भी बहुत सारी थी, तो मतलब चले जाते थे तो विदाउट एनी एग्जाम ले भी लेते थे। आज ऐसा माहौल है कि अगर 50,000 चाहिए तो सामने 3,00,000 के फॉर्म्स आते हैं। तो सर उसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना कि यार आपनों को यहाँ कहीं नहीं था, है ना? जी, काफी बच्चे। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि फ्यूचर में तो आगे बढ़ने ही वाला है काफी, आबादी बढ़ेगी, दैट्स व्हाई। जी जी, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सर? देखिए सर, सॉल्यूशन ये है कि लोग पुरानी प्रक्रिया पे चल रहे हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है उनको लाइफ का। बस okay. आपने एक डायलॉग सुना होगा ना सर, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। हाँ, तो मैं कहता हूँ सर यहाँ शनिवारी मार्केट है सर, 200 रुपए की बढ़िया नई चादर लाओ, बड़ी सी, और खूब पैर फैलाओ। सर सोच का फर्क है, यानी मन का फर्क है सर। 125,00,000 फॉर्म डलते हैं रेलवे के एग्जाम में सर, 60,000 वैकेंसी आती है और केवल 25,00,000 बच्चा ही एग्जाम देने जाता है। Okay. यानी 100,00,000 यानी 1,00,00,000 बच्चा एग्जाम देने नहीं जाता है सिर्फ ये सोचकर कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इतने सारे फॉर्म डल गए। सर मैं एक छोटा सा आपका टाइम ले रहा हूँ। जी जी। मैं एक एग्जाम, बहुत सारे मैंने इंटरव्यू दिए, उसमें मुझसे एक क्वेश्चन पूछते थे कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो मुझसे मैच नहीं करता, व्हाई शुड बी हायर यू। सर मतलब मैं साइंस का छात्र था तो मुझे लगता था कि यार मेरी किडनी है तो इनके पास भी है सर, मेरे पास आंखें थी इनके पास भी है, मेरे पास ऐसा क्या है जो मेरा मैच नहीं करता। तो मैंने कहीं पढ़ा था सर कि मेरा डीएनए किसी के डीएनए से मैच नहीं करता, मेरा आधार कार्ड नंबर भी नहीं करता, मेरी रेटिना भी मैच नहीं करती। तो दोस्त आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो आपकी सीट फिक्स है, कोई चेंज नहीं करने वाला, बस ये मेंटेलिटी थोड़ा बदलो, सोच बदलो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मन का विश्वास आपको बेहतर बनाएगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गुरुवाणी भी करते हैं सर जी, याद पता चला। दिस इज 92.7 बिग एफएम। मेरे गुरु के मुझे एक वचन याद आ गया, मतलब एक गुजराती माचा के, जिंदगी ने बांबवा खुद ने सतावी नाखजे, मन हृदय माथी बधानो डर हटावी नाखजे, साव सहला ना मले प्रश्नो साथे ना जवाबो, पण ध्येय मक्कम हशे तो मळशे विजय नो हाथ पण। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। सो ऐसी शायरी बस शायरन अंदाज में थोड़ी देर में करेंगे हरेंद्र सिंह तोमर 92.7 बिग एफएम पर। विदाउट एनी फियर माय डियर, हूँ छू बिग एफएम नो हिरेन तुम्हारी साथ है, एंड ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एग्जाम शाला। स्टे ट्यून, धुन बदल के तो देखो, ट्राई करो यार। 92.7 बिग एफएम पर बिग मेहमान। जा भी गई टुकमाकुन तो भाई भाई क्या बात है यार। झांसी के जो किंग है नाम के, उनका हरेंद्र सिंह तोमर है और आज बने हैं हमारे वो बिग मेहमान जो कि आई टेल यू के एग्जामशाला जेनी बे ब्रांच सूरत मां छे। अने सरे जी रीते जणाव्यू ए ज रीते सूरत ने अंदर जो तमे रेलवे स्टेशन थी बस डेपो जी छे त्यांथी निकळशो तो बस मेक्सिमम 15 रुपया मां त्यां पहोंची जशो। तो एग्जामशाला के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, अब उनके जानते हैं मन की बात क्या है सर, व्हाट इज एम, क्या है फ्यूचर प्लानिंग क्या है। एक्चुअली सर मैं कभी प्लानिंग से चला ही नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कि दिन की प्लानिंग बनाइए। ओके okay. क्योंकि सर सर्टेन सेकंड क्रिएट अ मिनट, कुछ सेकंड एक मिनट बनाते हैं और कुछ मिनट एक आर बनाता है, बिल्कुल, और कुछ घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं सर, और कुछ दिन मिलकर एक साल बनाते हैं, ऐसे कई साल मिलकर एक हमारी एज बनाते हैं, उम्र बनाते हैं। तो सर मैं प्लानिंग दिन की करता हूँ कि दिन में क्या करना है, कि क्या प्लानिंग रखी जाए। सर जब मैं कहीं एजुकेशन सेक्टर में जॉब करता था, काफी लोगों ने मुझसे कहा कि छोड़ के मत जाओ, सक्सेस नहीं हो पाओगे। मुझे मन में ये आ रहा था सर कि अगर पेट भरा हुआ है ना तो
तो खाना खाने में मजा नहीं है. अगर हम रास्ते पे चल रहे तो चल रहे, लेकिन हम अंगारों पे चल रहे तो चलेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे साहब. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक संघर्ष नहीं ना जीवन में, तब तक मजा नहीं है. और वो संघर्ष ही आपको बेहतरीन बनाता है. क्योंकि मैं कहता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. अच्छे अच्छे तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. क्या बात है, वाह वाह. तो मेरा ये है कि भाई मैं मतलब ऐसी राजनेता वाली बात नहीं कहूंगा कि बहुत फैमिली बैकग्राउंड ऐसा वैसा. मैं सीधा बात कहूंगा कि भाई हमें रिसोर्स नहीं मिल पाई. हम चाहते हैं कि आज कोई बच्चा वंचित ना रह जाए इस चीज से कि भाई वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता था, मार्केट में 30-40 हजार रुपए फीस लग रही, वो हमारे पास आए, हम उसको फ्री में पढ़ाएंगे. ये एम है हमारा. हम चाहते हैं कि एटलीस्ट गुजरात में जो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, एक सेटल लाइफ चाहते हैं, एक बार हमारे पास आए, हम उनको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे. सर कितनी भी मेहनत करनी पड़े, सर मैं खुद की अभी बात बता रहा हूं, जब से मैंने एग्जामशाला ओपन किया है सर, मैं 3 बजे सुबह उठता हूं सर, 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाता हूं, बच्चों को मैसेज करता हूं, उसके बाद ब्रांच आता हूं, और कम से कम दिन में मतलब देखो सर, सोने के लिए जिंदगी पड़ी है सर. अभी मेहनत कर लेंगे तो काफी कुछ निकल जाएगा. तो अभी 3-4 घंटे सोते उसमें भी नींद पूरी हो जाती है. और हमें कभी अलार्म नहीं उठाती सर, हमें उठाती है जिम्मेदारियां. क्या बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वाह वाह वाह. मतलब 25 साल की उम्र में इतना सारा ज्ञान कहां से लाया? सर जब 10th पास आउट किया तो ऐसा लगने लगा कि बहुत उम्र हो गई सर. और जब 12th पास आउट किया तो किसी महापुरुष ने मेरे कान में आके कह दिया कि सबसे बड़ी सर लाइफ में चेंज होना ना, तो 2 लोग चेंज कर दीजिए, अपना एडवाइजर और अपना एनवायरमेंट यानी कंपनी. तो उन्होंने मेरे कान में आके एक बात बोली कि कितना भी तुम पढ़ लेना, अगर नौकरी नहीं तो आप कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग. ओके सर, मार्केट में बीटेक एमटेक करने वाले बच्चे 10वीं पास का रेलवे का फॉर्म भरते हैं चपरासी का, आप सोच लीजिए सर. तो कितना कॉम्पिटिशन है. हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, हमारे यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट है. वाह क्या बात है. तो सर हमारा ऐसा फोकस है कि बच्चे को सही गाइडेंस मिले, जो उसकी फील्ड से है. मान लो मैकेनिकल वाला बच्चा है तो उसको मैकेनिकल वाला गाइड दें कि यहाँ जाइए आप, ये वाला फॉर्म भरिए, ये वाला करिए. और सर देखो, कितना भी पढ़ लो अगर आउटपुट पॉजिटिव है ना तो यू आर अ पॉजिटिव, और आउटपुट इज नेगेटिव देन यू आर अ नेगेटिव. क्या बात है जी सर. सही मार्गदर्शन. मुझे ये अभी पता चला है कि अगर चलो मेरे लाइफ में भी अगर कोई ऐसा बंदा आएगा, जिस तरह आपने बताया कि 96 ऐसे स्टूडेंट है जिनको आप मतलब विदाउट एनी फीस मतलब ज्ञान दे रहे, दैट इज गुड. लेकिन क्या आप लोग आंगली चिंतियां पुण्य कमाऊ है ना, तो वो व्हाट यू हैव टू डू. अगर ये शो आपने सुना हो 92.7 बिग एफएम पर ध्यान से, तो आई टेल यू के हमारे साथ जुड़ाया रहता एग्जाम शाला ना मैनेजिंग डायरेक्टर जे छे बेसिकली हम तो झांसी ना नाम चेनू हरेंद्र सिंह तोमर. તમારી આસપાસ પણ કદાચ દોસ્ત એવા કોઈ વિદ્યાર્થી હોય કે જેને તમને એવું લાગે છે કે દોસ્ત આ ભણી શકે છે, સારું એવું જ્ઞાન આનામાં છે, પણ એને ગાઈડન્સની જરૂર છે, તો ખાલી આંગળી જીતવાની છે. એન્ડ દેટ ઇઝ એક્ઝામ શાલા, 2 બ્રાન્ચ. સર લાસ્ટ મેં બતા દીજે દોનો બ્રાન્ચ કહા કહા છે. સર અમારી બ્રાન્ચ સિવિલ 4 રસ્તે કે પાસ મેં સિટી સેન્ટર પોઈન્ટ પર હૈ પહેલી બ્રાન્ચ, ઓર દૂસરી બ્રાન્ચ અમારી હૈ જો ચામુંડા ચાય વાલે કે બાજુ મેં હૈ, ઓર લેન્ડમાર્ક અગર દેખા જાય તો રિંગ રોડ જિસે હમ કહે સકતે હૈ સીધા. तो अगर आप सिविल 4 रस्ते आते हैं तो भी आप हमारी पहली ब्रांच से टच हो सकते हैं, और अगर आप थोड़े आगे बढ़ते हैं उदना दरवाजा की तरफ तो चामुंडा चाय के बाजू में सुंदरम स्पेस में आप 3rd फ्लोर पर मिल सकते हैं. याद रखो एग्जाम शाला आनाम से. दिस इज 92.7 बिग एफएम. आखिरी सवाल सर, बिग मेहमान बनके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा हिरेन सर, आपसे मिलकर ऐसा लगा कि आप सदियों से हमें जानते हैं सर. थैंक यू वेरी मच. तो ये सदियों की मुलाकात और आगे लाइक में परिवर्तित कीजिए. क्या करना है, सिंपल से हमारा एक फोटो है इंस्टाग्राम ऊपर, फेसबुक ऊपर, कहते हो तो पीछे ट्विटर ऊपर, 3 जगह पर हूँ.